आइए थोड़ी देर के लिए हम प्रैक्टिकली अपनी ओर मुड़ते चले जाएं। इस संगीतमय वाइब्रेशंस में बहुत सहज सरल साधारण हो जाना। बाहर की दोनों पलकों को मूंदते ही आप स्वयं देखने लगते हैं, आप भीतर की ओर मुड़ते चले जाते हैं। कुछ करना नहीं, जो भी तेरे समक्ष उतरता है, तेरे सामने हो रहा है, घटित हो रहा है, उसी को देखते चले जाना, केवल देखना। भले अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, विचारों की भीड़ है, मन की दौड़ है, द्वंद्व है, द्विद्वैत, माइंड की डुअलिटीज, ये तमाम मल मैल कचरा कितना भी उतर रहा है, दूसरों के बारे में है, दूसरों से आया है, दूसरों से तूने बोरो किया, इंपोर्ट किया है, जो जो तूने भीतर फीड किया है अपने चित्रूपी कंप्यूटर में, मेडिटेशन के प्रोसेस में वो सब उठता हुआ तेरे सामने, तेरी ही स्क्रीन पर प्रोजेक्ट हो रहा है, उसको देखते रहना। क्या पॉजिटिव, क्या नेगेटिव, क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या शुभ, क्या अशुभ, सब प्रकार के विचारों को देखते रहना। विचारों की भीड़ ही एकमात्र संसार है, माइंड ही संसार है, जो तुझको भटका के रख देता है, जो तेरा सारा का सारा खजाना सांसों का लूट लेता है और राख की ढेर बनाकर के विदा कर देता है। ये माइंड है, एकमात्र माया, माया है मन, इसकी चाल ढाल, इसके जाल को जिसने पहचाना, जिसने भी इसके स्वभाव को समझा, जिसने भी इसको डायरेक्टली वॉच किया, इससे हटकर के इसको जाना, इससे हटकर के इसको देखा, इसके स्वभाव को जाना, समझा, वो एक दिन इसका मालिक हो गया, वो एक दिन एनलाइटेंड हो गया, वो एक दिन मन को अपने अनुसार चलाने का मालिक हो गया। मन के अनुसार हम चलें बहुत बड़ा अधर्म है, यही जिंदगी का एकमात्र भ्रम, एकमात्र मृत्यु की दिशा है। माइंड हमारे अनुसार चले, ये अहंकार अभिमान नहीं है, ये स्वाभाविक है। मन हमको मिला है, इस संसार ने दिया है, समाज ने दिया है, जिस समाज में हम पैदा हुए उस समाज ने दिया, ये बाहर से आया है, बाहर ही जाता है, ये भूत भविष्य में रहता है, वर्तमान में नहीं रहता। हम सबका स्वभाव है वर्तमान में रहना, अपना स्वभाव है वर्तमान में रहना, प्रेजेंट मोमेंट्स में रहना, अपने शिवनेत्र में रहना, अपने सुरती द्वार पर रहना, अपने स्वभाव में रहना, एकमात्र मानव धर्म है। मन का स्वभाव है पास्ट और फ्यूचर में रहना, इसे रहने देना, छेड़ना नहीं, मन को तनिक मात्र भी कुछ कहना नहीं। आज तक तुम उसको बोझ समझाते आए, समझा आज तक नहीं, क्योंकि समझाने वाला स्वयं ही माइंड के हाथों लुटा है, स्वयं गुलाम हो गया है, भला गुलाम की कौन सुनेगा। जिसके जीवन में माइंड ही मास्टर हो जाए, वो भला उसकी क्या सुनेगा। मन एकमात्र हमको बाहर संसार से जोड़ता है, संसार से आया है, संसार से जोड़ता है,
बहुत गजब का है, परंतु मेरा नहीं है, मेरा होकर के भी मेरा नहीं है। ये मन मेरा होकर के भी मेरा नहीं है, सदा दूसरों की झोली में पड़ा रहता है, दूसरों के ही कदमों से चलता है, दूसरों के द्वार पर ही नाचता रहता है, दूसरों के द्वार पर रहता है, दूसरों में रहता है, दूसरों के ऊपर कुर्बान रहता है, मेरा होकर के भी मेरा नहीं है। मैं इस पे क्या निर्भर कर सकता हूं, मैं इसको कैसे अपना कह सकता हूं, मेरा मन ये मैं कैसे कह सकता हूं, मेरा है नहीं, मेरा कभी बना नहीं, ये सदा प्राया ही प्राया हो कि रहा है, धोखा किया है मैंने अपने आप से ये समझ करके कि ये मेरा है। मेरा हो सकता है अगर मैं अपनी पहचान कर लूं, मेरा हो सकता है अगर मैं अपने स्वभाव में लौट जाऊं, मेरा हो सकता है अगर मैं अपनी सुरती में उतरूं, मैं अपनी असली मकान असली घर वर्तमान के पलों में उतरूं, मैं वर्तमान में रहूं, भीतर रहूं, अपने स्वभाव में रहूं। मेरा स्वभाव है देखना, केवल देखना, निष्पक्ष ऊर्जा होकर के देखना, न्यूट्रल एनर्जी होकर के देखना, निरपेक्ष होकर के देखना, अपने आप में जगमगाते रहना, अपनी होश में रहना, मन की बेहोशी में नहीं अपनी होश में रहना, जागे जागे देखते रहना। मन की गति को देखते रहना, मन के स्वभाव को देखते रहना, मन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना, मन को कुछ भी नहीं कहना, क्योंकि अभी वह तुझे सुनेगा भी नहीं, तेरी मानेगा भी नहीं, अभी तो तू अपनी पहचान अपनी खोज में उतर, अपनी याद अपनी स्मृति अपनी रिमेम्बरेंस में, अपनी एकमात्र खोज में, सेल्फ डिस्कवरी में, अपने आप में अपने स्वभाव में उतर, अपने होने की याद कर कि तू कौन है, इतनी सी याद, परमात्मा की छलकती हुई दया का पात्र हो जाता है, इतनी सी याद दया बनकर के उतरती है। अपनी याद अपनी स्मृति अपनी रिमेम्बरेंस अपनी सुरती में लौटना, पुनः पुनः लौटना, बार बार लौटना, जागी जागी रहना, करना कुछ नहीं, केवल जागी रहना। मुर्शिद तेरे चरणों की, दाता तेरे चरणों की, गर धूल ही मिल जाए, सदगुरु तेरे चरणों की, वाहे गुरु तेरे चरणों की, गर धूल ही मिल जाए। नजरों से गिरा है मुर्शिद की नजरों से गिरा है बुल्ला, 12 वर्ष लगातार भटकता भटकता अपने ही मुर्शिद का अपने गुरु का दुश्मन बनकर के रहा है। एक बात ख्याल रखना,
प्यारे दीवानों, भक्तों, इस रूहानी महफिल में आने वालों, इस सत्संग की धारा में डुबकी लगाने वालों, एक बात का ध्यान रखना। एक बात अपने एनालिसिस में, अपने विश्लेषण में उतर करके देख लेना। जागे पुरुषों के पास आना, उनके सत्संग में आना, उनकी संगीत धारा में बैठना, उनके सानिध्य में बैठना, उनके सत्संग में बैठना, जागे पुरुषों की परीक्षा है। उनके पास आने वाला, उनके सत्संग में बैठने वाला, उनके समीप, उनके सानिध्य में बैठने वाला, उनकी संगति में उतरने वाला, जैसा है वैसा नहीं जा सकेगा, जैसा आया था वैसा नहीं जा सकेगा, जो जैसा जैसा आया वैसा वैसा नहीं जाएगा। लोग कहते हैं एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल देता है, वो दोनों कानों से डाल देते हैं, वो दोनों कानों से डालते ऐसे हैं कि बुद्धि से हृदय की ओर उतारते चले जाते हैं, वो दोनों कानों से डालता है, वो ऐसा डालते हैं कि तुम जितना भी निकालोगे निकाल नहीं सकोगे, वो इतना डाल देता है कि जन्म भर तुम निकालते रहो उसको, वो निकलेगा ही नहीं, वो निकलेगा ही नहीं। उसकी पास आने वाले, उसके समीप आने वाले, सत्संग में डुबकी लगाने वाले, भक्ति रस में डूबने वाले, प्यास लगन उत्कंठा जगाने वाले, वैसे नहीं लौटेंगे जैसे आए थे। दो ही तरीकों से लौटेंगे, वो दो तरीकों से लौटेंगे, दो प्रकार से लौटेंगे, या तो वो दोस्त होकर के लौटेंगे और या जागे पुरुष के दुश्मन होकर लौटेंगे। जो उसकी भक्ति के रस में ही स्नान करने में उतर गए, उनके ऊपर रहमत बरसती चली गई और वो डूबते चले गए, वो जागते चले गए, और जो अपने आप को बचाने की कोशिश करते गए, अपने अहंकार, अपने अभिमान को, अपनी ईगो को जब देखा कि ये तो लुट जाएगी, उसमें समा जाएगी, मैं बदल जाऊंगा, मेरा किया हुआ सब, मेरा शिखर जो बनाया हुआ सब टूटेगा, सब जो कुछ भी मैंने आज तक किया, आज तक कमाया, आज तक मैंने अपना फैलाव किया, वो सब गलत हो जाएगा, झूठ हो जाएगा, मैं भी गलत कहलाऊंगा कि आज तक का जीवन मैंने गलत जिया और जो कुछ भी किया वो भी गलत। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने अहम अहंकार को बचाने के लिए, अपना अस्तित्व, झूठा झूठा अस्तित्व बचाने के लिए, वो एकदम पीठ कर देगा सत्संग को, पीठ कर देगा जागे पुरुषों को, वो दुश्मन बन के लौटेगा। वो अपनी आत्म सुरक्षा के लिए, अपने अहंकार की सुरक्षा के लिए, अपने अभिमान की सुरक्षा के लिए दुश्मन बन जाएगा, और वो यही कहेगा कोई परमात्मा वात्मा नहीं, कोई किसी प्रकार से कोई जागा पुरुष नहीं, सब भटके हुए लोग हैं, भीतर के अंधे लोग हैं, ये क्या देंगे हमको। नकार देता है वो अपने आप को, अपने शिखर को बनाए रखने के लिए, वो दुश्मन बन के जाता है। दो ही तरीकों से वापस लौटते हैं लोग, जागे पुरुषों की कहानी है ये, जागे पुरुषों की परीक्षा है। अगर दो प्रकार से नहीं लौटेंगे तो वो जागा पुरुष ही नहीं है। जागे पुरुष के द्वार से दो ही प्रकार के लोग लौटते हैं, जैसे आते हैं वैसे नहीं जाते, या तो दोस्त होके जाते हैं या दुश्मन होके जाते हैं। अगर दोस्त होके जाते हैं तो आत्म ज्योत जगने लगती है, अगर दुश्मन होके जाते हैं तो अंधेरा जन्मों जन्मों का इकट्ठा होने लगता है, अपने हाथों से अपने पांव काटने में लग जाते हैं। दो ही तरह से, इसलिए बुल्ला स्वयं कहता है कि 12 वर्ष भटक भटक करके मैं आपने मुर्शिद का दुश्मन बन के देख लिया, हाथ कुछ नहीं लगा, सरे बाजार सारा का सारा अपने झूठे अस्तित्व का, झूठे जीवन का, अपने अहंकार अभिमान का शिखर अपने हाथों से एक तरफ रखकर की बहुत गजब किया, ऐसी प्यास जगी, ऐसा दर्द उठा, 12 साल के जीवन में एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, हाथ क्या लगा, अंधेरा अहंकार अभिमान कचरा, जो अपने हाथ लगने वाला नहीं, जो अपना होने वाला नहीं, जो एक दिन मौत के हवाले हो जाएगा, वो सब मैंने इकट्ठा कर लिया, जो मौत छीन लेगा, मालिक के लिए मैंने कुछ नहीं किया। इसलिए
वो अपने अनुभव से दुनिया को कहता है, दुनिया वालों अगर तुम मुर्शिद के द्वार जाना, जागे पुरुष के द्वार जाना, तो तुम दोस्त होकर रहना, इसी जन्म में छुटकारा हो जाएगा। तुम उसके सानिध्य में उसके होकर के रहना, उसके साथ तालमेल जोड़ना, उसके वो मारे तो भी, पीटे वो भी, वो कठोर बने तो भी, वहां ठोकरें खा देवे तो भी, वो तुझको पीटे तो भी, वो तुझे मारे तो भी, वो तुझे दूर रखे तो भी, उसका होकर के रहना, एक श्वान की तरह, डॉग की तरह अपने मालिक का होकर रहना। जगमगा जाओगे मेरी तरह, भटक भटक करके सारा जन्म गवा करके नहीं आओगे, पुनः प्यास जगी। बुल्ला यही गीत गाता हुआ बस गजब का रूपांतरण घटित हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण की क्रांति आई। राजी गुरु दी रजा देवी च रही, जमाना चाहे कुछ भी कहे, राजी गुरु दी रजा देवी च रही, राजी मुर्शिद दी रजा देवी च रही, जमाना चाहे कुछ भी कहे, समाना चाहे कुछ भी कहे, समाना चाहे कुछ भी कहे, राजी मुर्शिद दी रजा देवी च रही, समाना चाहे कुछ भी कहे, समाना चाहे कुछ भी कहे, समाना चाहे कुछ भी कहे, और दुख ते मुसीबत आवी सही, और दुख ते मुसीबत आवी सही, समाना चाहे कुछ भी कहे, और दुख ते मुसीबत आवी सही, समाना चाहे कुछ भी कहे। प्यार देवेता सदके जाए, ओ प्यार देवेता सदके जाए, विच खुशियां दे शुकर मनाए, विच खुशियां दे शुकर मनाए, प्यार देवेता सदके जाए, विच खुशियां दे शुकर मनाए, विच खुशियां दे शुकर मनाए, ओदी ठोकरा भी हस हस सही, ओदी ठोकरा भी हस हस सही, समाना चाहे कुछ भी कहे, ओदी ठोकरा भी हस हस सही, समाना चाहे कुछ भी कहे, समाना चाहे कुछ भी कहे, समाना चाहे कुछ भी कहे, ओदी ठोकरा भी हस हस सही, समाना चाहे कुछ भी कहे। प्यारे बुलिया प्यारे बुलिया तू बैजा चोली अडगे, प्यारे बुलिया तू बैजा चोली अडगे, रुल जाई ना तू गुरुआ नु छड़के, रुल जाई ना तू गुरुआ नु छड़के,
प्यारे बुलिया प्यारे बुलिया प्यारे बुलिया तू बैजा चोली अड़ीगी रुल जाई ना तू गुरु आनो छड़ीगी रुल जाई ना तू गुरु आनो छड़ीगी ओदी मार भी प्यारे नाल सही ओदी मार भी प्यारे नाल सही जमाना चाहे कुछ भी कहे ओदी मार भी प्यारे नाल सही जमाना चाहे कुछ भी कहे जमाना चाहे कुछ भी कहे ए जमाना चाहे कुछ भी कहे जमाना चाहे कुछ भी कहे जमाना चाहे कुछ भी कहे ओदी मार भी प्यारे नाल सही जमाना चाहे कुछ भी कहे ओदी मार भी प्यारे नाल सही जमाना चाहे कुछ भी कहे के सरोवर में भक्ति की डुबकी लगा करती है, भक्ति का स्नान होता है, प्रेमा भक्ति का पदार्पण होने लगता है। ये गजब का रोग, रूहानी रोग, ये प्रेम का भक्ति का रोग इंसान को छूने लगता है। ये संक्रामक रोग, ये इन्फेक्शियस डिजीज सत्संग में बैठते ही लगती चली जाती है। सत्संग सरोवर है और इसमें स्नान भक्ति है, प्रेम है। सत्संग में आने वाला व्यक्ति, जैसा हम कह रहे थे, दो ही प्रकार से वापस जाता है। जो अपने आप को मिटने के लिए राजी है, अपने आप को डुबोने के लिए राजी है, अपने आप को उसका होकर के जीने को राजी है, जो उस प्रभु को रिझाने के लिए तत्पर है, तैयार है, केवल उसी को रिझाने में अपने आप को मिटा देने के लिए राजी है, वह दोस्त बनकर की उतरेगा। और जो अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करता है, जो अपने माइंड का गुलाम होकर के, माइंड का पिक्चर लगू होकर के, उस बीमारी को जो लगती चली जाती है प्रेमा भक्ति की, उसको काटने में लगा रहता, वो मिटने को राजी नहीं, कछु बन बन के दिखाने को राजी है, मिटने को राजी नहीं, तैयार नहीं, तत्परता नहीं, दोष देखने लगता है। वहां तरह तरह से ना जाने कितने बहानेबाजी करने लगता है, ना जाने कितना कितना गलत उठने लगता है और गलत बोलने लगता है। वो अपने आप को जस्टिफाई करना चाहता है, वो इंसान जो मिटने को राजी नहीं परंतु कछु बन बन के दिखाने को राजी है, जो अपनी तमाम प्रकार की उठी हुई पॉपुलैरिटी को अपने फैलाए हुए चारों ओर संसार को बचाए रखने के लिए, अपनी ईगो अहम अहंकार को बचाए रखने के लिए, अपने को गलत कहलाने को तैयार नहीं, अपने की हुए को गलत कहलाने को तैयार नहीं, वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए सदा तैयार है, अपने अहम अहंकार को बचाए रखने के लिए तैयार है, अपने अहम अहंकार को ही प्रोटेक्ट करता चला जाता है, वह दुश्मन बनकर के उतरता है। वह दुश्मन पर वो भी बदल के जाता है, एक दोस्त हो के जाता है, एक दुश्मन हो के जाता है, दोनों उसके द्वार से जाते हैं। जागे पुरुष के द्वार से उसके सत्संग में डुबकी लगाने वाले जो तालमेल जोड़ लेते हैं, जो प्रभु को रिझाने में लग जाते हैं, वो अपने आप को मिटाते चले जाते हैं। और जो दुनिया को, जमाने को रिझाने के लिए चल पड़ते हैं, दुनिया को रिझाना जिनका लक्ष्य है, परमात्मा नहीं, एकमात्र दुनिया, दूसरे को रिझा रिझा करके अपना प्रभाव जमाने को तैयार, वो दुश्मन बन के चले जाता है, वो पीठ दे करके चले जाता है। बदलते तो वह भी है कि तो एक दोस्त होके जाता है, एक दुश्मन होके जाता है, दोनों उसके द्वार से जाता है। इसलिए जागे पुरुष देखते रहता है क्या गजब है, एक पत्थर मारता है और एक प्रेम देता है,
क्या गजब कहते हैं नाने, पत्थर मारने वालों को कहते हैं तुम बसेरा है ना, क्या गजब की करुणा है, कितनी कृपा है। जो दुश्मन बन के जाते हैं उन पे करुणा करना, दया करना, कृपा करना, और भी अधिक उनके ऊपर कृपा करुणा करना, वह एकमात्र मन के हाथों लगे हैं। एकमात्र वो अपने आप को बड़ा बड़प्पन में उतरे हैं, वो एकमात्र दुनिया को रिझाने के लिए उतरे हैं, उन पे करुणा दया कृपा करना, क्योंकि वो बहुत गरीबड़े हैं, बहुत दरिद्र हैं। वहां वो मिले हुए अवसर को चूकते चले जाते हैं, वो मिली हुई अपॉर्चुनिटी को मिस करता है, वो अपने अहंकार अभिमान में, ईगो में मिला हुआ अवसर चूकते चले जाते हैं। यही एकमात्र जागे पुरुषों के द्वार की पहचान है कि वहां तुम बिना बदले नहीं जाओगे, बदल के जाओगे, तुम पूरी तरह से बदल के जाओगे, या दोस्तों के जाओगे, या दुश्मनों के जाओगे, या तुम उसके द्वार पर अपने मालिक के लिए मिटते चले जाओगे, और या दुश्मन होकर के पीट देते चले जाओगे। जब तक अपने अनुभव से सीखोगे नहीं, तब तक प्रभु को रिझाने में तुम उतर नहीं सकोगे। चाहे कितना भी बोले प्रभु को रिझाने के लिए, कितना भी प्रभु को रिझाने की बात करें, वो दुनिया को रिझाने में लगे रहेंगे। ये धोखा, ये फ्रेम, ये कपट जाल, ये एकमात्र बगुला भक्ति, जब तक अपने ही भीतर अनुभव ना हो, रियलाइज ना हो, अपनी ही गलती के ऊपर, अपने ही भटकाव के ऊपर, अपनी ही बेवफाई के ऊपर, अपने ही नमक हरामीपन के ऊपर दया ना आने लगे, समझना हो डेवलप होने लगे, विवेक ना जगने लगे, तब तक जन्म मरण के चक्कर में इंसान निरंतर पड़ता है, अपने हाथों से जन्मों जन्मों की धूल चाटने में तैयार होता है। सत्संग में आते ही तुम्हारे खिलौने छूटते हैं, सत्संग में आते ही तुम्हारी पकड़ ढीली होती है, सत्संग में आते ही तुम्हें परमात्मा का भान, एक पीस ऑफ माइंड, सदा के लिए शांति का अनुभव, आनंद की, मस्ती की निर्भर अवस्था आपके हाथ जब लगने लगती है, तो लगता है खिलौने छूट रहे हैं, संसार छूट रहा है। नहीं छूटता, अगर छूट रहा है तो तेरे जैसा सौभाग्य किसी दूसरे का नहीं। याद रख, अगर ये छूटेगा नहीं तो एक दिन मौत छुड़वा देगी। मौत छुड़वा दे कितनी दीनता दरिद्रता है, मौत छुड़वा दे कितना दुर्भाग्य है, मौत छुड़वा दे कितना दीनहीन इंसान है। नहीं, सत्संग छुड़वा दे, ये जीती जागती मौत है, ये मेडिटेशन छुड़वा दे, ये जागरण योग सुरती अपने आप छुड़वा दे, उन खिलौनों को जिनको जिंदगी भर लिए फिरते रहते हो। बच्चा तो बचपन में ही खेलता है खिलौने, भले वो छाती से लगा करके सोता, परंतु जो जो परोड़ होता जाता है, बड़ा होता जाता है, खिलौने छूटते जाते हैं, किंतु तेरी पद पदार्थ प्राणी पैसा प्रतिष्ठा की तमाम खिलौने मृत्यु तक चाइल्डिश बनाए रखता है, पकड़ा ही रखता है। तो सत्संग छुड़ाता है, सत्संग तुझे इन खिलौनों से आहा, तेरा पे रहम करा। अगर वो सत्संग जागे पुरुष तेरे पे रहम खाएंगे तो खिलौनों पे बेरहमी बरतेंगे, और अगर खिलौनों पे रहमत कमाएंगे तो तेरे पे बेरहमी बरतेंगे। ये है सत्संग का प्रभाव, ये है जागे पुरुषों के सानिध्य का प्रभाव। ये प्रभाव जब भीतर घटित होने लगता है तो कोई भाग खड़ा होता है और कोई डट जाता है। इतना सा ही है, किंतु बदलते दोनों हैं, जैसा आते हैं वैसा वापस नहीं जाते हैं, बदल के जाते हैं, चाहे दोस्तों के जाएं, चाहे दुश्मनों के जाएं। ये जागे पुरुषों के सत्संग का एकमात्र परिणाम है, एकमात्र ये परीक्षा है। इसलिए आज की इस सेटिंग में, मेडिटेशन के प्रोसेस में, आप अपने भीतर थोड़ा सा जागना, थोड़ी सुरती जगाना, थोड़ा अपने को जानने में उतरना, मोस्ट मॉडर्न हो जाओगे, गजब के मॉडर्न लाइफ लीड करोगे। जब बाहर के जागे के साथ साथ थोड़ा भीतर का जागा पिरोलोगे, थोड़ा जागरण दोनों ओर का रख लोगे,
तो तुम टोटल हो जाओगी। यू मे बी ग्रेट बट यू आर नॉट ए टोटल। किंतु हम सबका धर्म है टोटालिटी में जीना, टोटल जीना, पूर्ण पूर्ण जीना, पूरे पूरे जीना। और वो जीना कैसा, दोनों और जाकर के जीना। आज इतना ही स्वीकार करना, अब इतना ही।